लेंगे सोनम। श्वेता जी बहुत सारे दोस्तों ने बोला मत जाओ, बहुत लोगों ने बोला मुश्किल है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं अपना लेह लद्दाख ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ नोएडा गॉड सिटी से। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था इस दिन का, आज वो दिन आ ही गया, तो चलो चलते हैं अपन लद्दाख के लिए। हम पहुंचने वाले हैं रामबन, जो श्रीनगर से 150 किलोमीटर बिफोर है। तो अपना इंडिया स्विट्जरलैंड से कम नहीं है फ्रेंड्स, और कोई जगह नहीं मिली घूमने के लिए। सचिन इधर देख, अरे इधर देख। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हमने 700 किलोमीटर कवर किया, आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे यार, वेदर अच्छा भी रहता है। जिस रूट से जा रहा हूँ ना मैं लेह लद्दाख, ये श्रीनगर और कारगिल से निकलता है, और ये सबसे टिपिकल रूट है और थोड़ा सा लंबा भी है, लेकिन मुझे जो है ना लेह सर्कल पूरा कम्प्लीट करना था, तो इसीलिए मैंने ये रूट डिसाइड किया कि इस रूट से जाना है मुझे। और मैं पूरा देख के आया हूँ पहले से इस रूट का, मैंने पूरा अच्छी तरह मालूम किया है कि कहाँ से क्या कहाँ जाना है। मैं तो सोच रहा था यार दिल्ली में ही जाम लगता है, लेकिन यहाँ भी लगता है जाम भैयो। ये जाम का रीज़न है लैंडस्लाइड, और 3 घंटे से मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं लगता श्रीनगर हम पहुँच पाएंगे। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, ये है पुलवामा, जहाँ पे जो अटैक हुआ था ना पुलवामा अटैक, ये वही जगह है। यहाँ पे पहले रोड चेक किया जाता है, उसके बाद में आगे परमिशन मिलती है जाने की। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ श्रीनगर डल झील, और हम लोग श्रीनगर में स्टे नहीं कर रहे हैं, हम स्टे करेंगे कारगिल में, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। सो हमने प्लान किया है कि हम कारगिल में स्टे करें। बैड न्यूज़ यार, अभी कारगिल से निकले ही हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया ट्रक का, रोड ब्लॉक कर दिया है, देखो कितना टाइम लगने वाला है। ये जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है जोजिला पास को, और अभी मैं जोजिला पास से 20 किलोमीटर दूर हूँ। बहुत टिपिकल रोड है यार, गाड़ी 5 या 10 की स्पीड से ज़्यादा मैं चला नहीं पा रहा हूँ, और ये जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, ये कम से कम 3 घंटे लगने वाले हैं। अभी तो ये था जोजिला पास और मैग्नेटिक हिल का व्यू, और अब मैं निकल रहा हूँ लेह के लिए। ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन आज फाइनली हम लेह पहुँच ही जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। और भैया फाइनली गाइज मैं लेह पहुंच गया था 9 बजे रात के, और
अभी आज के लिए यहीं एंड करते हैं इस ब्लॉग को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक।